तीसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराकर टीम इंडिया ने जीता एक और मुकाबला। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने क्या कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को एक और मुकाबले में शिकस्त दे दी। टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ के दमदार परफॉर्मेंस के बाद गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर, खलील अहमद और आवेश खान की शानदार गेंदबाजी ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सिकंदर रजा ने और गिरा एक बार फिर शुभमन गिल के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आज पारी की शुरुआत करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान शुभमन गिल उतरे तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने ब्रायन बेनेट की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका कट के जरिए देखने को मिला, लेकिन दोस्तों ये गेंद नौ बॉल थी जिसका पूरा फायदा उठाना था यशस्वी जायसवाल को अगली गेंद यानी कि फ्री हिट का, और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाते हुए पाँचवीं गेंद पर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बनाकर टीम इंडिया को पहले ही ओवर में शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बिहाइंड द स्क्वायर और अपना पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ा जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर दो ओवर की समाप्ति के बाद ही 29 रनों तक पहुंच गया। तो वहीं पर तीसरे ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी जारी रही, जहां पर तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर जायसवाल ने एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और पुल शॉट उनके बल्ले से निकला, इस बार उनके बल्ले से टॉप एज लगा और सीधे गेंद छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। भारतीय टीम तीन ओवर के बाद ही शानदार तरीके से 45 रनों तक पहुंच गई। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों का बल्ला चलता रहा। चौथे ओवर में भी शुभमन गिल ने तीसरी गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा तो चौथी गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लगकर विकेट कीपर और स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और भारतीय टीम अब शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद तो यहां पर चौकों की संख्या आगे भी चलती रही, लेकिन दोस्तों पावर प्ले की समाप्ति के बाद चौकों के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा। आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका स्वीपर कवर की तरफ चढ़ दिया चतारा की गेंद पर, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नौवें ओवर की पहली गेंद पर वो रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार कैच पकड़ा ब्रायन बेनेट ने और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 27 गेंदों पर 36 रन बनाकर वो भी पेवलियन लौटे। इसके बाद पिछले मुकाबले के हीरो अभिषेक शर्मा उतरे, लेकिन आज वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा भी अपना कैच मुरुमानी को थमा बैठे और सिकंदर रजा का वो भी शिकार बने। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाए जिसमें एक चौका शामिल था, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार फ्लैट चौका गेंद स्टेट बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेज दिया, लेकिन शुभमन गिल के बल्ले से काफ़ी देर से छक्का नहीं आया था, लेकिन ये इंतजार भी खत्म हुआ 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब उन्होंने शानदार तरीके से स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा। इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ ने एक और शानदार चौका जड़ा तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से निकले चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान के उम्मीद थी जैसा ही उन्होंने परफॉर्मेंस भी करके दिखाया। तो वहीं पर दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा। इसके बाद तो शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच 17वां ओवर डालने आए सिकंदर रजा को टारगेट किया शुभमन गिल ने और दूसरी गेंद पर एक और स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से।
तो वहीं पर इसी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार स्टेट बाउंड्री को टारगेट करते हुए उन्होंने सामने की तरफ एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ये शानदार ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद मिड ऑफ पर सीधे खड़े सिकंदर रजा के हाथ में चली गई और मुजरबानी ने एक और सफलता जिम्बाब्वे की टीम को दिला दी। यहाँ पर 49 गेंदों पर 66 रन बनाकर शुभमन गिल पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ चढ़ दिया नगारवा की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक फुल टॉस गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार खेल दिखाया और गेंद को सफल करते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बल्ले का फेस खोला और गेंद को चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की 4थी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ भी अपना कैच स्वीपर कवर पर खड़े मंदेवर को थमा बैठे और इस मुकाबले में 28 गेंदों पर 49 रनों की शानदार पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में अर्धशतक से सिर्फ एक रन से चूक गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 20वें ओवर के आखिरी गेंद पर निकले संजू सैमसन के बल्ले से चौके के साथ ही टीम इंडिया ने 20 ओवर में 182 रन बनाए और जिम्बाब्वे की टीम के सामने 183 रनों का एक बार फिर से विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई टीम इंडिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और जिम्बाब्वे की टीम को पहला झटका दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर लग गया जब मदेवर को शानदार गेंदबाजी करते हुए आवेश खान ने पेवेलियन भेजा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और मुरुमानी को भी तीसरे ओवर की 4थी गेंद पर पेवेलियन भेजने में कामयाबी हासिल की खलील अहमद ने। तो वहीं पर इसके बाद 4थे ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान ने ब्रेन बेनेट को भी पेवेलियन भेजकर जिम्बाब्वे की टीम को तीसरा झटका दे दिया मात्र और मात्र 19 रनों के स्कोर पर। इसके बाद सिकंदर रजा को भी यहां पर पेवेलियन भेजने में कामयाबी हासिल की 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने। सिकंदर रजा इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर में जोनाथन कैंपबेल को भी पेवेलियन भेज दिया वाशिंगटन सुंदर ने और एक ही ओवर में 2 सफलताएँ दिलाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया वाशिंगटन सुंदर ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर विकेट कीपर क्लेव मडांडे और उनके साथ मिलकर डियोन मायर्स ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए कई बेहतरीन चौके लगाए और मुश्किल स्थिति से जिम्बाब्वे की टीम को सम्मानजनक स्कोर की तरफ इन दोनों बल्लेबाजों ने आगे पहुंचाया। हम बात करें दोस्तों मडांडे की तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 69 रनों की पार्टनरशिप मात्र 46 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी 17 ओवर की तीसरी गेंद पर जब मडांडे को यहां पर बड़ा शॉट खेलने पर उन्होंने मजबूर किया लेकिन रिंकू सिंह ने शानदार कैच पकड़ा और मडांडे पेवेलियन लौटे जिन्होंने 26 गेंदों पर 37 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों डियोन मायर्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया लेकिन वो टीम को जीत तक नहीं ले जा पाए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को भी अपने नाम करते हुए सीरीज में 2-1 की शानदार बढ़त बना ली है। तो दोस्तों आज का यह मुकाबला आपको कैसा लगा और कैसा लगा टीम इंडिया का परफॉर्मेंस हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।